लेकिन एक ब्रह्म होता है निर्गुण निराकार। निर्गुण निराकार ब्रह्म कैसा है? ये हाथ को जो स्पर्श में हवा आ रही है ना, ये है निर्गुण निराकार ब्रह्म। इसका कोई गुण नहीं है, इसका कोई आकार नहीं है, पर ये ब्रह्म है। इनकी उपासना सरल है, पर ये निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना बहुत कठिन है, क्योंकि इनके रूप नहीं है, इनकी आंख नाक मुख नहीं है, फिर भी ये हैं। इनकी उपासना में श्री सुखदेव जी चले गए निर्गुण निराकार ब्रह्म। वेदव्यास जी ने जब भागवत की रचना की तो मन में विचार किया, मेरा पुत्र तो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करता है और भागवत पूरी सगुण साकार है, क्या करें? तब वेदव्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को भागवत के श्लोक रटा दिए और कहा कि इन श्लोकों का तुम पाठ तब किया करो जब तुम वन में पुष्प तोड़ने, तुलसी तोड़ने, वृक्ष की लकड़ी लेने के लिए जाते हो, तब इन श्लोकों का गायन किया करो। किसी दिन इन बालकों का गायन सुनकर के सुखदेव जी आ जाएंगे, उनके निर्गुण निराकार हृदय में सगुण साकार प्रवेश होगा कानों से, तभी आएंगे वो मेरे पास। और एक दिन वही हुआ बंधुओं, छोटे छोटे बालक वन में घूमते घूमते हिमालय पर पहुंच गए और हिमालय पर जहां सुखदेव जी निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे, वहीं पास में जाकर के बालकों ने भागवत के एक अद्भुत श्लोक का गायन किया जिसमें ठाकुर जी के रूप का वर्णन कि बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विभ्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम चमाला रंध्रान वैणु वधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इतना सुंदर वर्णन है ना इसमें ठाकुर जी के रूप का, मेरो तन कर दियो त्रिभंग बंक मुरली की बलिहारी बाट सब देखे ब्रज रास में चल श्यामा प्यारी बाट सब देखे ब्रज। एक रास का एक पद है, उस पद में क्या होता है सुनाए, पद सुनाए पूरा। देखो अब वो मंच पर कह रहे थे ना आज महाभारत सुनाएंगे महाराज जी, लो अटक गए हम यहीं पे, हम स्वच्छंद है भैया, हमारा जहां मन चला जाए कथा वहां चली जाती है। अब नहीं कहेंगे इस विषय को तो फिर रात भर ये चलता रहेगा, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला। ठाकुर जी रास बिहारी आना चाह रहे हैं दूसरे दिन ही, तो फिर ले आते हैं ठाकुर जी को। तो एक पद है, उस पद में दोनों की चर्चा है, किशोरी जी और ठाकुर जी आपस में बात कर रहे हैं। बहुत कम गाता हूं मैं कथा में, शायद 3-4 वर्ष बाद आज गा रहा हूंगा इस पद को। रास में चल श्यामा प्यारी बाट सब देखे ब्रज नारी। ठाकुर जी कह रहे हैं किशोरी जी चलो रास में चलें, सब सखियां हमारी बाट देख रही हैं, चलो रास में चलें। तब श्री जी कह रही हैं शरद की छाई उजियारी चलो पिया नटवर गिरधारी। फिर श्री जी क्या कहती हैं, राधा रानी क्या कहती हैं, चंद्र चांदनी के सहित नव चढ़ करत पया। किशोरी जी कह रही हैं देखो ना श्याम सुंदर आज चंद्रमा कितनो प्यारो लग रहा है, पूरे चंद्रमा ने वृंदावन को आच्छादित किया। हमारा वृंदावन सबसे प्यारा, वैसे तो सबसे प्यारा है ही, पर वो उससे भी ज्यादा प्यारा कब लगता है, शरद पूर्णिमा के दिन। आप कभी बंधुओं वृंदावन आने का क्रम बनाओ, कार्तिक के महीने में आओ, आहा इतना प्यारा लगता है वृंदावन, सौंधी सौंधी ठंड, ऐसी अद्भुत लीला वृंदावन में चलती है महाराज, अद्भुत वृंदावन बहुत प्यारा लगता है शरद के महीने में। श्री जी कह रही हैं देखो ना ये चंद्रमा कितनो प्यारो लग रहा है, यानी पूरे वृंदावन को अपनी किरणों से कितना सुंदर सजा दिया। तब ठाकुर जी कहते हैं श्री राधा मुख देख के
मैं भूलो सब ही गुमान। बोले आप चंद्रमा की प्रशंसा कर रही हो, लेकिन श्री जी मुकु तो आपके मुखमंडल के आगे कोई भाई ना है रो। आज आप इतनी प्यारी लग रही हो, आपके आगे कोई सुंदर लग ही ना है रो। परेगी फीकी उजियारी बाट सब देखे ब्रज नारी, रास में चल श्यामा प्यारी बाट सब देखे ब्रज नारी। श्री जी कहती हैं बात चिकनी चुपड़ी तो बहुत बढ़िया कर लेते हो आप, हैं ये कहां थे इतनी बढ़िया बढ़िया बातन ने लेके आओ। और फिर श्री जी क्या कहती हैं, ये तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें इनमें मैं पढ़ूंगी ना कभी। सहज टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग। ठाकुर जी ये बातें इतनी मीठी मीठी करते हो, लेकिन आपका अंग ही बता देता है कि आप जलेबी जैसे सीधे हो, बहुत टेढ़े हो। बस मुख से मीठी मीठी बातें, नहीं तो अंदर तो सब टेढ़ोपन ही है आप में। लेकिन हमारे ठाकुर जी जैसा हाजिर जवाब कोई नहीं। श्री जी बोली सवई टेढ़ बतरान में टेढ़ो है तेरो अंग, आप टेढ़े हो इसलिए आपकी बातें भी सीधी नहीं है। तब लाल जी क्या कह रहे हैं, बोले मैं टेढ़ो कैसे भयो ये पता है। श्री जी बोली कैसे भय, बोले तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। हे श्री जी ये तुम ऐसे हमको देखती हो ना, तो आप जहां देखती हो वही अंग हमारा टेढ़ा हो जाता है। आप कमर देखते हो कमर टेढ़ी, मुख देखते हो मुख टेढ़ा, इसीलिए संसार। ठाकुर जी वंशी सीधे बजा लो, एक पाँव यों एक पाँव यों ऊपर यों ऊपर उस पे यों, ये ऐसे टेढ़े मेढ़े क्यों ठाकुर जी। वास्तविकता तो ये है कि ठाकुर जी टेढ़े मेढ़े इसलिए रहते हैं कि श्री जी के चरणों पर उनके मुकुट की छांव रहे। लेकिन विनोद में कह रहे हैं तेरे कुटिल कटाक्ष ने मेरो तन कर दियो त्रिभंग। बंक मुरली की बलिहारी बाट सब देखें ब्रजनारी। तब श्री जी कह रही हैं महाढीठ की बात को कौन करे सम्मान। आप ढीठ नहीं हो महाढीठ हो, आपकी बातन को कौन सम्मान करे। तब लाल जी क्या कह रहे हैं, चतुरन की चर्चा जगत मैं भोरेन को भगवान। विचारो भोरो भंडारी बाट सब देखे ब्रजना। ब्रज की लीला अद्भुत है बंधु। तो बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विब्रतवास कनक कबिसम। इस श्लोक का जब गायन किया तो भगवान के रूप का वर्णन सुखदेव जी के कानों से जैसे ही हृदय में गया, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना कर रहे थे उनके चित्त में मोर मुकुट वंशी वारे पीतांबरी पहन करके गले में वैजंती माला कानों में पुष्प लगे हैं सुंदर कटाक्ष कमल जैसे नेत्र हैं वंशी बजा रहे हैं ठाकुर जी त्रिभंग लली खड़े हैं, ऐसी झांकी उनके चित्त में प्रकट हो गई। और जैसे ही ये झांकी प्रकट हुई सुखदेव जी के नेत्र खुल गए, बोले जे कौन है ये, मैं किसको देख रहा हूं। उन बालकों के पास गए, बोले तुम श्लोक कहां से लाए हो और इस श्लोक में जिसके रूप का वर्णन है ये कौन है। बालक बोले हमको नहीं पता, इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो हमारे गुरु जी के पास चलो। सुखदेव जी महाराज उन बालकों के संग गए, तब देखा कि ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर बद्रीनाथ में स्वयं उनके पूज्य पिताजी महाराज श्री वेदव्यास जी ही थे। जाकर के प्रणाम किया, बोले पिताजी जब से ये श्लोक सुना है मेरा इस छवि पर मन अटक गया है, कृपा करके मुझे बताइए ये कौन है, ऐसे त्रिभंग लली श्याम सुंदर ये कौन है। तब वे कौन है इसके परिचय में संपूर्ण भागवत की कथा वेदव्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाई, और वही कथा सुखदेव जी ने गंगा के तट पर जाकर के परीक्षित जी को सुनाई।